कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक माँ और उसके सात शहीद बच्चों के बारे में बताऊंगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हर साल संपूर्ण कलीसिया 10 जुलाई को संत फेलिसिटी एवं उनके सात शहीद बच्चों का पर्व मनाती है। संत फेलिसिटी के पति की मृत्यु के बाद वो ही अपने इन सात मासूम बच्चों को संभालती है। यह सातों भाई मिलजुल कर रहते थे और उन्हें संत फेलिसिटी सत्य की ओर मार्गदर्शन करती थी और उसी के कारण वे प्रभु में अपने विश्वास को और अधिक मजबूत बनाए हुए थे। उनके जीवन को देखते हुए कई अधिक ख्रिस्तीय भाई बहन ही नहीं, गैर ख्रिस्तीय भाई बहन भी उनके पास आया करते थे और वे सब उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जिसे देखते हुए अन्य लोग के जो अधिकारी थे, जो धर्म गुरु थे, उन्हें बहुत क्रोध आया कि हमारे लोग ख्रिस्तीय धर्म को मानने वाले उस छोटे से परिवार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल वो ही एक परिवार ख्रिस्तीय था। उन्हें जलन की भावना उनमें आने लगी। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, यह सभी को भड़का रहे हैं, और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जब उन सातों भाइयों और उनकी माँ संत फेलिसिटी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब संत फेलिसिटी से कहा कि क्या तुम्हें अपने बच्चों पर भी दया नहीं आती है, उनका तो जीवन अभी शुरू ही हुआ है, परंतु संत फेलिसिटी अपने बच्चों से कहती है कि अच्छा यह है कि हम प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति दें, ना कि अन्य देव देवताओं की उपासना में अपना समय बिताएं, क्योंकि हम सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं। बच्चों को जब संत फेलिसिटी और उनके सात बच्चों को रोमन साम्राज्य के एक अधिकारी के पास भेजा गया कि वो उन्हें समझाए, अगर वो नहीं समझते हैं तो उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, और वह अधिकारी उन्हें समझाता है, परंतु वह अपने विश्वास में बहुत अधिक दृढ़ रहते हैं। उसी समय संत फेलिसिटी अपने एक एक बच्चे को बुलाकर कहती है और उन्हें प्रवचन देती है और उनसे कहती है कि भले ही तुम्हारे प्राण निकल जाए, परंतु अच्छा यही होगा कि हम शरीर और आत्मा दोनों को बचाए रखें। संत फेलिसिटी अंतिम बार अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, देखो स्वर्ग की ओर, प्रभु यीशु वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अपने आत्माओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो। संत फेलिसिटी के इन बातों को सुनकर उन सातों भाइयों के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। रोमन साम्राज्य के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अलग अलग तरह से तड़पा तड़पा कर उन्हें मार दिया गया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम मुख्य रूप से संत फेलिसिटी और उनके सात शहीद बच्चों के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, ताकि हम चट्टान की तरह खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट कर सकें।